हेलो एंड वेलकम टू सुनाना'स वंडर लाइफ। आज मेरी रेसिपी है चिकन मोमोज की, पर उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलो फटाफट देखते हैं चिकन मोमोज कैसे बनते हैं। यहाँ चिकन मोमोज बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया 1 कटोरी चिकन का कीमा, थोड़ा सा लिया मैंने यहाँ पे पुदीने के पत्ते, हरा धनिया, काली मिर्च पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और एक बड़े साइज का कटा हुआ प्याज। सबसे पहले हम फिलिंग के लिए डो लगा लेते हैं। डो लगाने के लिए मैंने यहाँ पे मैदा लिया है, उसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक, आधा चम्मच ऑयल। अब इसका स्टिफ डो लगाना है हमें, एकदम मुलायम डो लगाना है। इतना सॉफ्ट आटा लगाना है आपको। अब इसे मैं कपड़े से ढक देती हूँ, ऊपर से थोड़ा पानी डाल देती हूँ, कपड़ा सूखने दीजिए। एक कप चिकन कीमा में मैं डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, काली मिर्च, हरा धनिया, पुदीने के पत्ते, प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छे से मिक्स करना है इसको। पुदीने के पत्ते बारीक कट करके या फिर पीस के मत डालिएगा, आप छोटे छोटे टुकड़े में कर सकते हैं। पुदीने में एंटीऑक्सीडेंट रहता है तो वो जल्दी काला हो जाता है, तो आपका चिकन का टेक्सचर भी काला हो सकता है। मिक्सिंग हो गया है हमारा, अब करते हैं इसकी फिलिंग। बनाते हैं इसके मोमोज। इसकी मोटाई देखिए आप, इतनी ही होनी चाहिए। अब डालते हैं इसमें फिलिंग। ये मेरा सबसे फेवरेट शेप है, इसलिए मैं ये बनाती हूँ। फिर से मैं दिखा रही हूँ आपको। बन गया हमारा चिकन मोमो, स्टफ करके रेडी है। अब हम इसे स्टीम करते हैं। यहाँ मैंने प्लेट को ऑयल से ग्रीस किया है। अब मैं यहाँ पर चिकन मोमो रख रही हूँ स्टीम के लिए। इसे ढक दे रही हूँ 7 से 8 मिनट के लिए, क्योंकि चिकन हमारा कच्चा है, कीमा होने के कारण ये जल्दी पक जाएगा। हमारे चिकन मोमोज रेडी हैं। अब इसमें हम चिली गार्लिक सॉस, इसे बॉईल आ गया है, अब डालते हैं हमारे चिकन मोमोज। मोमोज इन चिली गार्लिक सॉस हमारे रेडी है, हम इसे सर्व करते हैं। फ्रेंड्स, ये चिकन मोमोज की रेसिपी कैसे लगी है मुझे कमेंट करके बताइए। रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।